नमस्कार, जोहार, प्रणाम। हम आज दिखा रहे हैं आपको एक यहाँ पे जो झारखंड का आदिम जनजाति जो है पहाड़िया कम्युनिटी जिसको बोलते हैं उसका रहन सहन, और यहाँ पे लोग अभी उन लोगों का जीवन जो है कैसा है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। तो ये गांव है बाघाकुल, और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लोग अभी इन लोगों का जीवन जो है कि बहुत ज़िंदगी जो है बहुत आगे बढ़ गया बहुत लोगों के लिए, लेकिन इन लोगों का जो है विकास जो है कहाँ तक हुआ है और अभी ये लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं तो देख सकते हैं। ये क्या नाम हुआ तो क्या नाम हुआ नाम बताओ नाम 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 तो बोल लेता। ये लोग कोठा भाषा बोलते हैं लेकिन क्या नाम हुआ, अरे नाम नहीं बता पा रहा, रुको इसको नाम पूछ लेते हैं एक बार। बाबू नाम क्या हुआ, जा देखो अभी नहीं बताएंगे नाम, तो चलते हैं अंदर चलते हैं। नाम क्या हुआ, नाम बताओ नाम, कोई नाम नहीं बताएगा। देखिए बच्चा है वो जो उल्टा गंजी पहने हुए हैं, क्या नाम हुआ, नाम क्यों लो, नाम क्यों नाम, विशाल पहाड़िया नाम है इसका, खोठाई लोग बोलते हैं। क्या नाम हो लो, प्रियंका, प्रियंका नाम है। थोड़ा सा घर चलते हैं। तो यहाँ यहाँ पे दादी है, क्या हाल दादी, बढ़िया हाल, तारा हाल बढ़िया हाल। किसका बच्चा है, किसका बच्चा है, छोटका काका का बच्चा है, छोटका जो है इनका छोटा बेटा का बच्चा है के है ना, नाम 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 सुनील, नाम इसका सुनील पहाड़िया, सुनील पहाड़िया नाम है। तो चलते हैं इन लोगों का किचन में, थोड़ा घर देख लेते हैं। घर देखिए अभी शाम है, अंदर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लाइट वाइट लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट न छो ना, तो इन लोग के पास अभी बिजली नहीं है, लैंड मतलब बिजली बिल न भर ली इसलिए काटल को ना काटल के तो लाइट नहीं है लोगों के पास। तो को चार और मिलो ना, चार हाँ पाँच किलो आ मिले चो, पाँच किलो आ तीनों बेटा के नहीं है। तो चावल इन लोगों को मिल रहा है और ये घर मिल रहा ना, ये वाला घर मिला था तो हमने कैसे किलो चार लगे पाँच किलो मिले। हाँ, और एक चीज़ दिखा दे रहे हैं आपको कि झारखंड में ये खटिया जो है, ये देख सकते हैं खटिया, सॉरी ये देखिए खटिया जो है इस तरह से बुंदा हुआ आपको मिल जाएगा जो सोने में बहुत आरामदायक होता है। तो इस तरह से है, देखो इसको क्या वो चारों तरफ से लकड़ी लगा करके चार पौआ बना करके इसको फिर वो इसको गूथा जाता है। इसमें सोने में घर बहुत आरामदायक होता है। ये टूट चुका है, ये टूट चुका है, ठीक। थोड़ा किचन के तरफ चलते हैं, दिखाते हैं किचन में क्या बन रहा है। तो ये चाची है, तो किचन में देख सकते हैं कि आज जो है इनका घर में बना हुआ है सीम भी, सीम बनेगा ना, सीम भी बन रहा है। और ये आपका है जो कि चूल्हा है, चूल्हा में इसमें चावल भात ना, इसमें भात चावल को भात भात बोलते हैं, तो भात इसमें चावल पक रहा है। और इसमें आपका गरम गरम की बना भी सब्जी, ये सब्जी है। और इधर पानी रखा हुआ है, यहाँ पे बाल्टी है, और ये जो इस तरह का बाउंड्री है, और ये ईंधन है लकड़ी है, लोग लकड़ी से ही खाना बनाते हैं। गैस तो उनको नहीं मिल रहा की हैं, गैस नहीं मिल रहा, तो गैस नहीं मिल रहा दादी, गैस नहीं मिल रहा, तो इन लोगों को गैस नहीं मिला है। तो इन लोग अभी भी वही है कि लकड़ी से ही खाना बना रहे हैं। देखिए लोगों का थोड़ा सा जुगाड़ दिखाते हैं, ये खजूर का पत्ता बोलते हैं, और इसका इस तरह से गेट बनाया हुआ है चारों ओर घेर 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 के, और ये पूरा बाउंड्री किए हुए हैं इसका खजूर का पत्ता से। हाँ, ये वाला घर है, पूरा घर को सब मिल रहा ना, पैसा सब मिल रहा घर नहीं, नहीं मिल रहा, समझ नहीं गया, करो बापक नहीं मिल रहा, अच्छा सब नहीं मिल रहा।
तो घर का पैसा पूरा नहीं मिला हुआ है, तो इस तरह से घर ही बनाया है। कितना पैसा घर लगे? कितना पैसा घर को, कितना पैसा घर को तो कोई बता नहीं पा रहे हैं कि कितना पैसा का घर है, कितना का स्कीम था। तो थोड़ा सा चलते हैं उधर, बात करते हैं और लोग से कि कितना पैसा का घर था, स्कीम था और क्या हुआ, तो बात कर लेते हैं। तो ये देखिए कुछ कपड़ा है यहाँ पे टांग के रखे हैं टंगनी में, और अंदर दिखा सकते थे लेकिन अंदर दिखा सकते, लेकिन अंदर अभी लाइट नहीं है तो फिर दिखा नहीं पाएंगे उतना। सोते हैं सोने का जगह, लेकिन वो दिखाते रहे कि ये खाट है, खाट में ही लोग सोते हैं। ये बच्चा है, इनका नाम है, क्या नाम है? सुनील पहाड़िया। सुनील पहाड़िया नाम है, एक बार फिर पूछे थे, दोबारा ही पूछ लिए। तो चलते हैं थोड़ा सा बाहर। तो अभी देखिए इन लोगों का जो है कि पानी वानी का उतना साधन नहीं है, तो अभी जो है कि ये बेल जो है, देखिए शाम का मौसम है तो जंगल से चर के बेल आया हुआ बेल, ये मवेशी है इनका। ये कुछ खजूर का पत्ती जो है खाने के लिए दे दिए है, क्योंकि इस बार इधर धान नहीं हुआ है, मतलब खेती नहीं हुआ था, तो जिस कारण से पुआल नहीं हो पाया, धान का खेती नहीं हो जो हो पाने से पुआल नहीं हो पाया, तो यहाँ पे हरा चारा के लिए खजूर का पत्ता को खिलाया जाता है। तो ये एक दो बेल है और एक कुछ लगे एक गाय है, ईटो। हाँ तो ये है आपका नाम बता, नाम बताओ। दीवान पहाड़िया। ये दीवान पहाड़िया है, मतलब ये लोग कितना है, क्या भाई चुन तीन भाई नहीं, तीन भाई में से ये मंझला है, तो एक ही परिवार यहाँ पे एक्चुअल में है इस गांव में, बहाकुर गांव में। तो दीवान पहाड़िया है, इसका सर का बेल है। तो आगे चलते हैं। ये है आपका एक है छोटा भाई है, उसको सुरेश पहाड़िया ये बोल जा रहे उधर। तो आगे चलते सब भी देखते हैं घर और थोड़ा लोगों का और पता करते हैं कि लोगों का जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो ये देखिए मुर्गी, ये मुर्गी है, शाम का समय है तो मुर्गी घर में आ चुकी है, तो इसमें शायद कोई नहीं है, ये वाला घर में भी कोई नहीं है। और एक घर ये है, ये एक घर है, तो ये मिट्टी का है लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है, देख सकते हैं इसका फर्श कितना साफ़ सुथरा है। और ये है, यहाँ पे कोई है नहीं, यहाँ पे ये बड़ा भाई का घर है, और ये तुलसी का पिंडा है, और ये सोलर का पानी के लिए जो दिया था पानी पीने की व्यवस्था किया था, ये सोलर लगाया हुआ है, टंकी है और अंदर सबमर्सिबल लगाया हुआ है, तो लेकिन ये अभी ख़राब है। क्या नाम हुआ? रोहित। ये रोहित, रोहित नाम है नहीं, पापा का नाम क्या हुआ, पापा का नाम क्या हुआ? समलाल। तो ये है, ये एक्चुअल में बहुत दिन से ख़राब हो गया है। कब दिन से ख़राब हो छोटो? कब दिन से ख़राब हो चुके? सोलर खराब हो तो एक बार ठीक बात नहीं कर लगी। तो देखिए इस तरह का योजना दिया हुआ सरकार के द्वारा, लेकिन इसका जो है ख़राब हो जाने से इन लोगों को भी उतना ही आइडिया नहीं है कि कहाँ से ठीक करवाए, तो भी पता नहीं को भी। तो कितना दिन खराब होला, कितने दिन होता है ख़राब होला में, कितने दिन? चार पाँच महीने से खराब, बिल्कुल ठीक नहीं करा लगी। ठीक क्यों करवाब जे नंबर दिला चलो नंबर पे तो नहीं छो नहीं कलो की खराब है तो तक नहीं फोन करी हूं तो नंबर नहीं छो नंबर कहां हो गलो मोबाइल में हलो डिलीट हो गलो कि हो गलो तो छोड़ी दलो से अब कहां पाबो नंबर इसलिए कि ये रिंगे नकल वाला लगाबो मिस्त्री आ ठीक करो। तो देख सकते हैं कि आप किस तरह का समस्या है इन लोगों के पास में, क्योंकि ये तो लगाने का तो लगा दिया लेकिन ये
रिपेयर कैसे होगा किसी को पता नहीं है, तो अगर किसी को इसके संबंधित जानकारी है तो कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, ताकि हम भी इन लोगों को हेल्प कर सकें। और ये देख सकते हैं पूरा ख़राब हो चुका है, तो अब पानी कहाँ से पिया अभी? चपाकल का पानी पीते हैं अभी, और नहाना वहीं का पानी से होता है, लेकिन दूर होता है यहाँ से, तो इस तरह का समस्या है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अभी ये किचन है बड़े भाई का, जो है इस तरह का किचन है। ये मेरे लाइट जलाया हुआ है क्योंकि बिजली जो है काटा हुआ है पूरा, तो देखते हैं। और बस इस तरह का ही सीन है, शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, ये देख सकते हैं। और एक घर दिखा देते हैं आपको, ये सबसे पहले मिट्टी का घर था, ये मिट्टी का दीवार था, जो बहुत सबसे पुराना घर है ये वाला। नहीं कितने दिन ले घर? हाँ तो सबसे पुराना घर है। और ये देख सकते हैं आप, ये झारखंड में जो है ताड़ का जो पत्ता होता है उससे ये छत बनाया जाता है, और इस तरह का ही है क्योंकि इस तरह से। और ये टूटा हुआ घर है, इस तरह से है, तो इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह का ही रहन सहन है अभी। तो इस तरह का हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि आपको गांव में जो पहाड़िया कम्युनिटी है उसका जीवन यापन कैसे करके जी रहे हैं अभी। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो का लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।